पहले हुई सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद एक बार फिर गैंगस्टर के निशाने पर एक सिंगर है। ये धमकी भी उसी इंसान के नाम से दी जा रही है जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर मामले की जिम्मेदारी ली थी। फेमस पंजाबी सिंगर रैपर हनी सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है। सिंगर के मुताबिक उन्हें गैंगस्टर गोल्डी बरार ने एक वॉइस नोट के जरिए जान से मारने की धमकी दी है। हनी सिंह से 50 लाख की रंगदारी भी मांगी गई है। धमकी मिलने के बाद सिंगर ने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में पहुंचकर शिकायत दी, साथ ही खुद के लिए और परिवार के लिए सुरक्षा की मांग की है। मेरे को मेरे स्टाफ को कॉल आई है, क्या करूँ, गोल्डी बराड के नाम से वो लोग बोल रहे हैं और बाकी मैंने रिक्वेस्ट करी है सीपी साहब को कि मुझे सिक्योरिटी दे और इसको इन्वेस्टिगेट कराएं, तो कर रहे हैं हम रिलीज करते हैं। ऐसा ये पहली बार हुआ है ज़िंदगी में, लोगों ने बहुत प्यार दिया हमेशा और पहली बार ऐसा कोई थ्रेट आया और बहुत डरा हुआ, पूरा परिवार डरा हुआ यार। मौत से किसको डर नहीं लगता, मेरे को जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज से डर लगता था, मौत से। हनी सिंह को मिली धमकी के बाद से एक बार फिर वो तस्वीरें लोगों के जहन में ताजा हो चुकी हैं जो साल भर पहले सोशल मीडिया पर छाई हुई थी, जिसमें गैंगस्टर्स ने सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी और मूसेवाला की निर्मम हत्या कर दी थी। वहीं अब इस धमकी के बाद हनी सिंह ने धमकी से जुड़े सभी सबूत दिल्ली पुलिस को सौंपे हैं। दिल्ली पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि मामले की गहनता से जांच की जाएगी। फिर से एक सिंगर को धमकी मिलने के बाद से पुलिस चौकन्ना हो गई है। सिंगर को सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया है, लेकिन धमकी के बाद से डर और दहशत का माहौल अभी भी बना हुआ है। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।